तो ये देखो, ये बोल तो रहा है, जा रहा है, पता नहीं, इतना समझ में तो नहीं आ रहा है। उसने रहा था दा चुकोटका जो बॉडी पार्ट एक्सपोर्ट है, बहुत बुरा पेन हो रहा है। इस ट्रिप में रशिया आने से पहले कभी नहीं सोचा था कि -50 -60 में मेरे को हिचाइक करना पड़ेगा। ओके मरीना, इस फसी में बुलशो है। दस बिदानिया। तो गाइस, दोपहर के 12 बजने वाले हैं और 20-25 ट्रकों से मैंने पूछा, ट्रक ड्राइवरों से पूछा, कोई सनेरा नहीं जा रहा है, सब याकूस जा रहे हैं। एक मिनी वैन मिली है माँ शुक्ता टाइप की, बोल तो रहा है जा रहा है, पता नहीं, इतना समझ में तो नहीं आ रहा है। मैंने उनसे गूगल ट्रांसलेट से बात किया है, बोल रहे आ जाओ, देखते हैं किधर जाएंगे। तो थोड़ी उम्मीद मिली है, भाई निकल तो नहीं गया मैं सामान लेने गया। ये देखो, ये गाड़ी है कुछ सोवियत, कुछ उसको बोलते हैं, उसका नाम भूल गया, सोवियत यूएवी करके कुछ ऐसा। हेलो, हाँ, ये पूरी सोवियत गाड़ी, बहुत पुरानी। ओके, बर्फ में सब ऐसे ही रखना पड़ता है यार यहाँ। उसने चुकोटका क्यों में उसनेरा चुकोटका। ओके, ये देखो कितना बड़ा ट्रक आ रहा है, इतनी ज्यादा ठंड है कि बर्दाश्त से बाहर है भाई। -53 -53 ऐसा दिखा रहा है, फील्स लाइक -60। देखो पूरा ही कवर्ड है ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए, लेदर का है और पूरा डबल शीशा जो पूरे साका रिपब्लिक में होता है, पूरे डबल शीशे हैं। जो बॉडी पार्ट एक्सपोर्ट है, बहुत बुरा पेन हो रहा है, पूरा चेहरा नाक बहुत बुरा पेन हो रहा है। कुछ ऐसी गाड़ी अंदर से, अभी कोई अंदर है नहीं। मैं क्यू में कल अराउंड 3 बजे दोपहर पहुंच गया था, 12 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 24 घंटे ही मान लो, दोपहर लग गए यहाँ से गाड़ी मिलने में। इस ट्रिप में रशिया आने से पहले कभी नहीं सोचा था कि -50 -60 में मेरे को हिचाइक करना पड़ेगा। पता नहीं कैसी गाड़ी है, उस तरफ भी पेट्रोल का टैंक है इस गाड़ी में, इस तरफ भी पेट्रोल का टैंक है, इसी टैंक से इधर पेट्रोल डाल रहे हैं, इसी टैंक से उधर पेट्रोल डाल रहे थे, तो डबल टैंक इधर भी इधर भी। हाँ भाई, इंडिया दा कुदा या कुछ उसेरा मकदार आई कम उसेरा आई कम विथ यू। ओके, ऑलमोस्ट 24 घंटे से मिली कोई गाड़ी नहीं, अब मिली है तो दो इकट्ठे मिली है, छोटी ये वैर और एक बड़ी लंबी वाली ट्रक, किसके साथ जाओ? तो अपना ये ट्रक पेट्रोल भरवाएगा फिर निकलेगा, कैसे बैठना है इसके ऊपर, बहुत भारी है भाई ये घास उठाने के लिए। ओह, पूरा बर्फ वक्त वक्त गया बैग में। ओ भाई, ओ पूरा हाथ लग रहा कट के अलग हो जाएगा, इतना ठंडा है, कैमरा भी ठंडा हो गया भाई, इतना ज्यादा कैमरा भी टच होते नहीं बन रहा है। भाई थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, कैमरा भी पकड़ते नहीं बन रहा। अब जाके हाथ थोड़ा नॉर्मल हुआ यार, इतना पूरा पेन कर रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा पड़ रहा है भाई, इतना पड़ रहा है अभी तक मैंने रशिया में नहीं देखा, दिखाऊंगा तो ध्यान नहीं, पता नहीं कितने टायर का है। पानी लिया हूँ, 1/2 लीटर पानी 120 रुपए का यहाँ पर है। ये मेरे खाने पीने का सामान है, कुछ ऐसा ट्रक है ये देखो, अंदर से 2 सीट है, ये पूरे सोने की जगह है, रात में कहीं अगर पार्क भी करना हुआ इनको तो यहाँ पे आराम से सो सकते हैं, पूरा ये बेड टाइप का बना हुआ है, देखो कितना मोटा ये पूरा, एक इंसान आराम से इसमें सो सकता है, काफ़ी लंबा है। और ये पानी गर्म करने वाला इलेक्ट्रिक केटल भी है, ये देखो पानी गर्म करो, टी बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, जो बनाना बनाओ, ये मिल्क भी इन्होंने रखा हुआ है। तो वही बात है ना, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, इतने टाइम से परेशान था, 20-22-24 घंटे से कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, दो इकट्ठा मिल गई Within 5 minutes। इनका ट्रक देखो कितने सारे यहाँ पे, ये देखो स्विचेस हैं यहाँ पे, काफ़ी मॉडर्न काफ़ी हाई फाई ट्रक है भाई, कितने सारे यहाँ पे कंट्रोल दिए हुए, ये देखो जनरली इतने कंट्रोल अच्छी अच्छी कार्स में भी नहीं होते, यहाँ पे ट्रक में कितने सारे कंट्रोल्स हैं, कितने सारे बटन्स हैं, ये देखो। तो आज मैं वन ऑफ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट रशियन ट्रक में चेक कर रहा हूँ। तो क्यूबे में को अब बाय बाय करते हुए, कहीं वहाँ पर क्यूबे में कैफे है जहाँ मैं रुका था ऑलमोस्ट पिछले 24 घंटों से, फाइनली अब यहाँ से 1200 किलोमीटर की रोड ऑफ बोस की जर्नी स्टार्ट होती है। इससे पहले मैंने 800 किलोमीटर रोड ऑफ बोस कवर किया था, वो रात में कवर किया था, तो ना कुछ देख पाया ना दिखा पाया, अब आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी खुद भी देखूंगा। इस हाईवे पे अकेले ड्राइव करना इतना ज्यादा खतरनाक है, गलती से आपकी गाड़ी खराब हो गई ना तो डेथ होने के चांसेस बहुत हाई है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे गाड़ी में ना वायरलेस ट्रांसमीटर होते हैं, अलग अलग यहाँ पे जगह पे ड्राइवर कनेक्ट रहते हैं।
ओह वेरी वेरी कोल्ड очень холодно वेरी कोल्ड зовут Володя 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 Владимир нет Владимир да Владимир да Владимир окей okay. 5 hour okay 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 ты их на трансмиттере देखो ребята проверка связи ओके ओके हम लोग निकल चुके हैं अब क्यूबे में कैफे से क्यूबे में से इतनी ज्यादा एक्सट्रीम ठंड की वजह से मेरे फोन के कैमरे की ग्लास के अंदर तक ठंड पहुंच चुकी है और मेरा फोन का कैमरा ऑटो फोकस तक नहीं कर पा रहा है इतनी अच्छी अच्छी मैंने फोटोज खींची काफी सारी फोटोज ब्लर हो चुकी है ऑटो फोकस है समझ में नहीं आ रहा है जिस हाईवे पे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये हाईवे है कोलिमा हाईवे बता चुका हूँ जिसको रोड ऑफ बोन्स भी कहते हैं इसका निकनेम है रोड ऑफ बोन्स और ऑफिशियली इस हाईवे का जो नाम है वो है R504 कोलिमा हाईवे आज से लगभग 100 साल पहले बनना स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग सोवियत यूनियन स्टालिन एरा 1930s और 1950s के बीच में पूरा कोलिमा हाईवे को बनाया गया है पूरा साखा रिपब्लिक काफी ज्यादा मिनरल रिच एरिया है पूरे साखा रिपब्लिक की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा मिनरल और माइनिंग पे डिपेंडेंट है यहाँ पर गोल्ड सिल्वर टिंग टंगस्टन और यूरेनियम की माइनिंग काफी ज्यादा होती है पूरे इस रिपब्लिक में पूरे इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन में तो कोलिमा हाईवे को अलग अलग माइंस को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था लगभग आज से 100 साल पहले फिर इस हाईवे पे छोटे छोटे कुछ विलेजेस और टाउन भी बना दिए गए सोवियत यूनियन के स्टालिन एरा में जितने भी पॉलिटिशियंस थे बिजनेसमैन थे और हाई फाई थोड़े पॉपुलर लोग थे जो लोग स्टालिन के आइडिया के अगेंस्ट थे जो स्टालिन के अगेंस्ट थे उनको एग्जाइल में साइबेरिया और साखा रिपब्लिक भेज दिया जाता था उस टाइम पे यहाँ के जेलों में डाल दिया जाता था उस टाइम पे यहाँ के जेलों को बोला जाता था गुलाग प्रिजन गुलाग प्रिजन तो साखा रिपब्लिक में है ही इसके अलावा रशिया के कई सारे पार्ट्स में है उनके पॉलिटिकल अपोनेंट को कैद करने के लिए वो स्कूबा जिमी जिमी आजा आजा 250 किलोमीटर है यहाँ दोस्तों आई थिंक शायद 5 घंटे पहुँच जाएंगे शाम तक पहुँच जाएंगे ये एंडलेस हाईवे दूर दूर तक बस रोड नजर आ रही है पहाड़ नजर आ रहे हैं और बर्फ नजर आ रही है उसके अलावा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना कोई इंसान ना कोई पक्षी ना कोई जानवर सिर्फ एंडलेस ब्यूटी और इनफाइनाइट साइलेंस इतना प्यारा इतना खूबसूरत रास्ता इतना प्यारा लैंडस्केप लग रहा है भाई कोई अलग ही दुनिया में आ चुके हैं लेकिन बाहर जितना ज्यादा खूबसूरत उतना ही सिवियर उतना ही एक्सट्रीम वेदर अगर आप ध्यान दो साखा रिपब्लिक में और स्पेशली इस हाईवे पे जैसा कि ये बोल रहे हैं ज्यादातर जो पेड़ है ना वो तिरछे है कोई इधर कोई ऐसे कोई वैसे इनको बोलते हैं ड्रंकन ट्री ये टेढ़े क्यों है ये ड्रंकन ट्री क्यों है इसका रीजन है क्योंकि पूरा एरिया साखा रिपब्लिक का परमा फ्रॉस्ट में लोकेटेड है ग्राउंड के नीचे सिर्फ बर्फ है बर्फ के अलावा कुछ नहीं है तो जब पेड़ बड़े होते रहते हैं और नीचे के ग्राउंड शिफ्ट होता रहता है बर्फ जमती है पिघलती है कहीं कम होती है कहीं ज्यादा होती है उस वजह से ना पेड़ तिरछे हो जाते हैं पेड़ टेढ़े हो जाते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर पेड़ टेढ़े हैं कोई इधर चारों डायरेक्शन में उनको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रंकन ट्री स्टालिन के टाइम पे गुलाग प्रिजन के लाखों फोर्स्ड लेबरर वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे उनसे ये रोड बनवाई गई थी कोलिमा हाईवे के बनते वक्त हजारों लाखों प्रिजनर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की यहाँ पर मौत हुई थी क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आप देख ही रहे हो यहाँ का वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल है बहुत सारे लेबरर्स और प्रिजनर्स इस रोड को बनाते वक्त ठंड से जम के मर गए और बहुत सारे लोगों को गोली मार दिया गया कि उन लोग इतनी ठंड में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे इस वजह से ऑन एन एस्टिमेट 2.5 लाख से 10 लाख पॉलिटिकल प्रिजनर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मौत हुई है इस रोड को बनाने के लिए इस रोड को बनाते वक्त फिर जब उनकी मौत हुई तो उन सारे लोगों को इस रोड के नीचे ही दफना दिया गया क्योंकि परमा फ्रॉस्ट की वजह से ना रोड के नीचे जमीन खोदना काफी ज्यादा आसान था और उनको यहाँ पर बरी करना काफी ज्यादा आसान था कंपेयर टू उनको कहीं और ट्रांसपोर्ट करते जमीन को डिग करते और उनको बरी करते एक ये भी रीजन है कि सबको यहीं दफना दिया गया रोड के नीचे ही जिस रास्ते पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं एक तरीके का ये मेमोरियल है 2.5 लाख से 10 लाख लोगों का इसीलिए इस रोड का निकनेम है इनफेमस रोड ऑफ बोन्स आज भी अगर इस रोड को डिग किया जाएगा ना तो बहुत सारी बोन्स बहुत सारी लाशें वैसी की वैसे निकलेगी क्योंकि
परमानेंट फ्रोजन है ग्राउंड। इस रोड ऑफ बोन्स को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड बोला जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि इसका हिस्ट्री काफी हॉरिफिक रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत एक्सट्रीम है। साल के ज्यादातर टाइम यहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है और बर्फ रहती है और नेटवर्क कवरेज ज्यादातर रोड पे है ही नहीं। अब ये देखो यहाँ पे डबल ग्लास होने के बाद भी अंदर वाली ग्लास में बर्फ जम गई है, ये देखो। इंडिया प्लस और माइनस, इंडिया प्लस स्कॉल का कोलोतना कोलोतना चुत 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 स्कॉल का स्कॉल प्लस 5 भाई, इससे ठंडा मेरे यहाँ कभी नहीं पड़ता, प्लस 5 से नीचे कभी नहीं गया टेम्परेचर। एक घंटे के ड्राइविंग के बाद एक ट्रक जाके दिखी है अपोजिट डायरेक्शन में, ऑन एन एवरेज के एक घंटे में एक ही गाड़ी यहाँ दिख रही है इस रास्ते में, ये देखो। तो ये बोल रहे हैं कि मेरी एज 47 है और ये लगभग पिछले 20 साल से ट्रक चला रहे हैं, इनके दो बच्चे हैं। कैमरा कैमरा तो यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है पूरा रोड का, पूरा इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। चाय स्पेसिफिक वोडका वोडका नो पाचिमो वोडका वोडका गुड वोडका गुड गुड। सो गाइस थोड़ी देर के लिए टॉयलेट ब्रेक के लिए नीचे उतरा हूँ, अभी लगभग 1.5 घंटे हुए हैं निकले हुए और चारों तरफ बस माउंटेन ही माउंटेन है, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन हर तरफ। और यहाँ पे नीचे देखो हर तरफ ड्रंकन ट्रीज है, टेढ़े मेढ़े तिरछे ट्रीज है पूरे ड्रंकन। एक ट्रक कोई और आ चुकी है, हमारी ट्रक दो ट्रक है अभी। ओहो तो ये देखो ये गर्म पानी गिरा रहे हैं, इंस्टेंट धुआं बन जा रहा है, थोड़ा बहुत फ्रीज भी हो जा रहा है। इसको तो पूरा उछालेंगे हवा में देर तक, तो गिरते गिरते फ्रीज हो जाएगा। तो भी एक बगल ट्रक वालों ने भी ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे, सब तीन लोग हो चुके हैं। ककवा जावूत मयूरा यूरा यूरा ओके ओके। तो भाई इनके पास खाने पीने का सारा सामान है, पूरा किचन लेके ट्रेवल कर रहे हैं ट्रक में। ये देखो ये मिनी फ्रिज है ट्रक के अंदर, इसमें एग है, मिल्क है, और क्या होगा, मीट हो सकता है, दिख नहीं रहा होगा पक्का, चीज है और फिश लग रही है इसमें, कैंड फिश है, योगर्ट है, इसमें भी काफी कुछ खाने पीने का सामान है, चीज। तो ये चीज का कुछ क्रेप है, कुछ रोल टाइप का है चीज का। खराशो साखा रिपब्लिक वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड है इन टर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स साखा रिपब्लिक में पाए जाते हैं। साखा रिपब्लिक का जो मेजर एक्सपोर्ट है वो है डायमंड एंड कोल, और यहाँ पे काफी सारे मेटल्स की माइनिंग होती है, बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं, बट गोल्ड और कोल बहुत ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। काफी सारे ट्रकों में मैंने देखा कि कोल ही जा रहा है। ये रीजन आता है रशिया के साइबेरिया में, और रशिया का 70% से भी ज्यादा ऑयल एंड गैस साइबेरिया से आता है, इतना ज्यादा रिसोर्स रिच एरिया है ये। किलोमीटर का 150 किलोमीटर आ चुके हैं, 100 किलोमीटर बाकी है, अराउंड 3 बज रहे हैं, 5 तक पहुंच जाएंगे।